नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, घुटनों के दर्द में जितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है उतनी ही घुटनों की मालिश ज़रूरी है। मैं सबको यही बताता हूँ कि मालिश ज़रूर करो और साथ में फिर एक्सरसाइज भी करो। अगर आप मालिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कम असर देगा। जो मैं इलाज बताता हूँ, कहता हूँ कि घुटनों की दवा है, पर एक्सरसाइज है और मालिश है, तो दोनों चीज़ें करनी है। जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, जैसे आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी आपका? राम विलास जी, जो बिहार से आए हैं और खगड़िया मानसी जिले से आए हैं, जो पटना से भी आगे हैं। हाँ, पटना से भी आगे हैं। और कितने दिन हो गए आपको? आठ दिन हो गए थेरेपी लेते हुए। इनके घुटनों में खूब सारा आराम है। अब इनको मैं मालिश भी सिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी सिखाता हूँ, थेरेपी भी सिखाता हूँ और मालिश भी सिखाता हूँ। और इनके घुटने नीचे नहीं टिकते, देखो एक बार, ऐसे रहते हैं। इधर दिखाओ, साइड से ये नीचे नहीं टिकते। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते वो भी ध्यान दे लें एक बार, ठीक है? या जिनके, जैसे मैं बता रहा हूँ, जिनके घुटने ऐसे रहते हैं, नीचे से जगह रहती है, जिनके घुटने ऐसे रहते हैं उनके लिए भी ये विशेष है। उस प्रकार की मालिश कैसे करें जिनके घुटने ऊपर रहते हैं, तो आप सीख लीजिए। और आप कभी भी मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरा सेंटर है जिस पे रोज़ाना मैं थेरेपी भी देता हूँ, एक्सरसाइज भी सिखाता हूँ। और अगर आप आ गए तो अच्छे से एक्सरसाइज बताऊँगा और अच्छे से आपको थेरेपी सिखाऊँगा। तो आज का जो वीडियो है ये वही है मसाज के लिए, कि मसाज कैसे करें। तेल बनाने की विधि मैंने आपको बता रखी है, पहले वाले वीडियो में बताई थी, और आज वाले वीडियो में मैं फिर बता रहा हूँ कि क्या करना है। 250 ग्राम सरसों के तेल में 25 कली लहसुन और 25 लौंग, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी और 50 ग्राम अदरक, इसको पीस के तेल में मिलाना है और धीरे धीरे आँच में पकाना है। जब लहसुन का रंग बदलने लगे, अच्छे से पकने लगे, तो तेल को उतार लेना है और ठंडा करके एक बर्तन में डाल देंगे, कांच के बर्तन में। फिर दूसरे दिन उसको छानना है। आज ये कमेंट आया था कि छने हुए पदार्थ का क्या करें। उस छने हुए पदार्थ को इकट्ठा कर लीजिए कोई भी बर्तन में और उसकी पोटली बना के फिर सिकाई कर लेंगे, ठीक है? उसकी भी एक पोटली सिकाई का भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आप अच्छे से फ़ायदा उठा लेंगे कि किस प्रकार बचे हुए तेल में जो बचा हुआ पदार्थ होता है ना, उसका भी हम फायदा कैसे उठाएँ, वो पोटली मसाज के द्वारा आपको बता देंगे। तो धीरे धीरे हम मसाज शुरू कर देंगे तेल की। ऐसे निकाल लीजिए, धीरे धीरे पहले घुटनों के चारों तरफ लगाएंगे। जो पहले वाले वीडियो में बताया था, इस प्रकार से हम एकदम से ज़्यादा तेल नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा तेल घुटनों पे लगाना है। अच्छे से लगा लीजिए। घुटनों का दर्द शकल देख के नहीं आता, किसी को भी घुटनों का दर्द हो सकता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ो हो। आजकल तो जवानों के भी हो रहा है, 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं। गैप ख़त्म होना ही घुटनों का दर्द का कारण। कई कहते हैं कि दर्द कैसे हो गया? दर्द हो गया, गैप ख़त्म हो गया। गैप ख़त्म हो गई, आपकी मसल्स कमज़ोर हो गई, आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया। आपकी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आप रोज़ाना मालिश करिए, जो मैंने तेल बताया उससे करोगे तो और अच्छा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप इससे भी अच्छा आपको तेल मिले तो उससे भी मालिश कर सकते हैं, ठीक है? तेल आप अपने घर में बिल्कुल बना सकते हैं, जो मैंने विधि बताई है। या फिर मेरा एक वीडियो है तेल बनाने की विधि, उसके द्वारा भी हम वीडियो देख के तेल अपनी रसोई में बना सकते हैं। तो अच्छे से घुटनों पे लगा लीजिए और लगा लीजिए। और लगाने के बाद ऐसे ऐसे पहले कुछ देर तक ऐसे रगड़ेंगे। फिर मैंने बताया ना, जिनके घुटने ऊपर रहते नीचे नहीं टिकते उनके लिए तो विशेष मालिश चाहिए। जो मैंने रोल रख रखे हैं ना, इसका हम उपयोग में करके, और कैसे उपयोग में लेंगे ये भी हम बताएंगे कि जिनके घुटने ऊपर रहते धरती में टिकते नहीं उनके लिए कैसे मालिश करें। पर पहले हम सिंपल मालिश करेंगे चारों तरफ घुटने की। हाँ, ऐसे नीचे उंगली घुमाओ, नीचे ऐसे, जैसे मैं घुमा रहा। सीखने का मतलब अच्छे सीखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। हाँ, और पहलवानी मालिश नहीं करनी है, जोर लगा के आपको मालिश नहीं करनी है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुटनों पे हाथे फेरना है, दोनों हाथों को अपने फेरते रहो बिल्कुल आराम आराम से। घुटनों के नीचे भी, घुटनों के ऊपर भी,
नीचे भी फेरो, एक ही बार में पूरे घुटनों पे आप फेर सकते हो, ठीक है। अब जो पैर नहीं टिक रहा है आपके, जैसे दोनों नहीं टिक रहे, तो एक 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 करके हम ऐसे ये ले लीजिए, रोल ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, और इसको ऐसे लगा लो अपने घुटनों के नीचे। हाँ, अब मालिश करो, अब थोड़ा नीचे दबाव भी आ रहा है, अब मालिश करो अच्छे से, और आपको ऐसे ही मालिश करनी है, ठीक है। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते उनको रोल लगा के मालिश करनी है, शुरू से अपना रोल रोल लगा लीजिए, और लगाते लगाते अपने आराम आराम से घुटनों की मालिश करते रहिए। अब धीरे 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 दबाव देंगे नीचे की ओर, हाँ ऐसे मालिश करते रहिए, और बीच बीच में अपना दबाव देते रहिए। जो घुटनों की जकड़ है ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और लगाइए तेल आप बदल बदल के, आप ऐसे करते रहिए, जो पैर ना टिके उससे आप ज़्यादा कर लें। हाँ अच्छे से लगा लीजिए। आप भी अपने घर बैठे अच्छे से मसाज करें, मैं ये तो कहता हूँ कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और घुटनों की मसाज भी ज़रूरी है। जो मैंने तेल बताया है ये ज़्यादा असरकारक है अगर आप ये बना लोगे। कई तो आलसी जीव हैं, बनाते नहीं, बोलो जी कोई बना के ही दे दो, आपको खुद बना लेना है ये तेल। कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसमें पांच चीज़ें डालनी हैं, 25 लहसुन की कली, 25 लौंग, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, 50 ग्राम अदरक, और 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल ले लेंगे, या बदल बदल के, हाँ वो पैर रख लीजिए, या तिल का तेल ले लेंगे, ठीक है। और अच्छे से आप मालिश करिए, समय निकालोगे अपने घुटनों के लिए तभी ठीक होंगे। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं घुटनों को तो घुटने आपके ठीक नहीं होंगे। तो आप आराम आराम से ऐसे मालिश करते रहिए, डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर क्या कहेगा, घुटने खराब हो गए बदलवा लीजिए। जब तक एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं तो एक्सरसाइज ही करें, और लोग ठीक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग ठीक नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, वो अच्छे से टाइम दे रहे हैं, घुटनों को मालिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में कोई हार्ड नहीं बताता, बड़ी ही सरल एक्सरसाइज बताता हूँ जो बड़े बूढ़े आराम से कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, जैसा भी समय मिले, रात को कर लो, पर खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है, खाने खाने के तुरंत बाद नहीं करना आपको, फिर ऊपर रख लीजिए। हाँ ऐसा रोल ले लेना एक, ठीक है, या फिर अपनी वहाँ अपने गांव जाओ, बिहार जाओ ना तो वहाँ ले लेना, करना ऐसे, या फिर कोई भी ऊंची चीज़ रख लेना यहाँ पे, ताकि घुटने थोड़े नीचे की ओर रहें, और आप मालिश करो तो ऐसे ही करना, रात भी नीचे जा सकते हैं, रात भी नीचे जाए ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे। तो घुटनों में आपकी जकड़न है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हाँ ऐसे ऐसे बस, और कम से कम 20 मिनट मालिश करना है, 20 मिनट करोगे तभी तो असर करेगा घुटना, और बदल बदल के 1 मिनट इस, 1 या 2 मिनट इस पे, फिर 1 या 2 मिनट इस पे, तेल ख़त्म हो जाए तो और लगा लेना। और ये ध्यान रखना पसीने नहीं आने चाहिए, अब तो खैर आगे आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, पसीने नहीं आएंगे। जो पिछले 2 महीने थे उसमें पसीने आ रहे थे, तब मैंने कहा था चाहे पंखा चला लो, पसीने नहीं आने चाहिए। अब तो धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, उसमें तो नहीं आएंगे पसीने। तो बिना पसीने के मालिश करना है, तेल को धीरे धीरे घुटनों में रमाना है, आराम आराम से, ख़त्म हो जाए तो और लेते रहना है, जितना तेल लगाओगे उतना ही अच्छा है। ऐसे नहीं कि तेल कम पड़ रहा है, आप ऐसे ऐसे लगे रहें तो आपको कब फायदा कम मिलेगा, अच्छे से तेल लगाते रहना बीच बीच में ले लेके, या किसी कटोरी में डाल लेना और तेल को थोड़ा गर्म कर लेना, मालिश करने से पहले कटोरी में तेल को गर्म कर लेना। आप इन्होंने पहले बार वीडियो देखा और वहीं से, ये बठिंडा में भी रहते हैं, इनका कारोबार है बठिंडा में, तो बठिंडा में वीडियो देखा और वहीं से एक्सरसाइज इन्होंने शुरू कर दी, और एक्सरसाइज को देखते देखते इनको कुछ आराम लगा कि हाँ एक्सरसाइज से आराम तो मिलता है, तो एक्सरसाइज पहले घर पे की और फिर मेरे पास आई। आप भी एक बार अपने घर पे एक्सरसाइज करके देखो, समझ में ना आए तो फिर मेरे पास आ जाओ, ठीक है। ये जो मेरा सेंटर है एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र, जो नारनौल में है और हरियाणा में है, अगर आप कभी नारनौल आओ तो बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से उतर के ऑटो में आ जाना, मेरा पता बता देना, मैं हर वीडियो में पता भी बताता हूँ कि महेंद्रगढ़ रोड
नूनी शेपकरा मोड़, ये ध्यान रखना। कई लोग तो नूनी शेपकरा में घुस जाते हैं गांव में, गांव में नहीं जाना, वो मोड़ है उसी मोड़ पे रुक जाना कि महेंद्रनगर रोड पे ऑन रोड ही है, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र। ऑटो वालों को कह देना कि हमें भाई वहाँ जाना है, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी के यहाँ जाना है, और जो नूनी शेपकरा मोड़ पे है, ठीक है ना, अच्छे से पता बताया करो। कई बिना पता लेके चल पड़ते हैं, फिर पूछते हैं जी पता तो आपका लिया है नहीं, हमने कईयों से पूछा, किसी कोई बताता है कोई गलत बताता है, तो आप पता लेके चलो, ऑटो वालों को दिखा दो, वो अपने आप यहाँ पे पूछा देगा। तो अच्छे से आप सीख के जाइए, हो सकता है आप एक दिन के लिए आए या 10 दिन के लिए आए या 20 दिन के लिए आए, और अपना पैकेज बनवा लीजिए। अगर मालिश करने नहीं आती, इनको मैंने अच्छे से एक्सरसाइज सिखा दी, तो इन्होंने कहा कि मालिश करनी और सिखा दीजिए, आपकी उंगली नीचे की ओर लेके जाओ, आप मेरे देखो ऐसे ये घुमाओ परफेक्ट रूप से, ऐसा घुमा लो, ये चारों तरफ हाथ घूमे, ये है मालिश। बैठे बैठे आराम से ऐसे करते रहो, नीचे भी एक ही राउंड में सारा घुटना कवर हो जाए, इसको कहते हैं मालिश। ऊपर ऊपर ऐसे करोगे, फिर नीचे नीचे करोगे, हाँ ऊपर ऊपर करना हो तो बाद में करना, कटोरी के दोनों तरफ, अब कटोरी के दोनों तरफ ऐसे करो अंगूठे से, कटोरी के साइड में, कटोरी के ऊपर नीचे, और कटोरी के नीचे विशेष ऐसे और करना ऐसे करके, ये ऊपर रख के कर लो ऐसे करके, पैर ऊपर, आप तो ऊपर रखना पैर, आपको तो घुटने नीचे टिकाना है ना, तो पैर उस पर रखना रोल पे, हाँ ऐसे नीचे करो और साइड में फिर करो, ऊपर करो फिर कटोरी के ऊपर, कटोरी के ऊपर, हाँ ऐसे पटेला को आपको फ्री करना है, इसको कटोरी भी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आप कर लो। आप नीचे 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 उंगली नीचे पे चलो, नीचे जो नीचे की मांसपेशियाँ जाम हो रही है ना, जो घुटनों को नीचे नहीं टिकने देती, उसके लिए भी स्पेशल नीचे हाथ चलाते रहो, उंगलियाँ नीचे ऐसे चले ऐसे, ठीक है, तेल कम पड़ता है तो और लगा लो, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे मसाज कर लेंगे। इसी प्रकार फिर दूसरे पैर के भी ऐसे करेंगे, कटोरी को दोनों तरफ से रगड़ेंगे। नीचे कुछ बिछा लेना ताकि बेड शीट खराब ना हो, अपना कोई भी कवर होगा वो बिछा लेना, हमारा ही तेल थोड़ा बेड शीट पे ये बिखर गया, कोई बात नहीं धो लेंगे, पर आप कटोरी में डाल के आराम से मसाज करना। तेल बनाने की विधि सबको पता होना चाहिए, बार बार में मत पूछा करो, मेरा वीडियो देख लो, और कई वीडियो में बताता भी हूँ भाई तेल कैसे बनाना है, और मालिश और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बिना मालिश के घुटने ठीक नहीं होंगे। और आपके कई सवालों के जवाब भी मेरे को देने हैं, कई सवाल इकट्ठे हो जाते हैं, कोई कुछ पूछता है कोई कुछ पूछता है, तो सारे वीडियो में एक दिन आपके सवालों का जवाब फिर दे दूंगा कि किस प्रकार का दर्द हो तो क्या करें, कई पूछते हैं कि सोजन आ जाए तो मालिश करें ना करें, तो सारे जो सवाल आपके आ रहे हैं ना, तो इकट्ठा मैं आपको जवाब दे दूंगा। आज का जो वीडियो है ये है विशेषकर मालिश के लिए, तो ऐसे आप सीख गए मालिश, ठीक है, अब एक्सरसाइज कर लीजिए, इस रोल को हटा दीजिए। मालिश करने के बाद एक्सरसाइज भी ज़रूर करो, ऐसे हटा दिया या फिर इसको रख लीजिए, हाँ दोनों रख लो, आपके घुटने ऐसे नहीं ऐसे रख लो, हाँ रख लो, अब आगे पीछे करो, नहीं अब छोड़ दीजिए, अब थोड़ा हाथ साफ कर लीजिए, अखबार लेके ले लीजिए, हाँ हाथ साफ कर लीजिए, पीछे टिकाने ना मैं, हाँ अपने हाथ पूछ लीजिए, अब घुटनों के तेल लगे रहने देना है, घुटनों का तेल साफ नहीं करना है, अपने हाथ हाथ साफ करने हैं, हम अपने शीशे भी पीछे रख देते हैं, और अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो मालिश के बाद करनी होती है, ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज करेंगे ये घुटनों को नीचे टिकाने के लिए करेंगे, पीछे टेक लिया, अब टेकने बाद करो थोड़ा और पीछे ले आओ ताकि आराम से एडी हो जाए, हो गया, अब करो एक आगे की ओर पंजा करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, उंगलियों को टाइट करेंगे, अब एक टाइट मोड़ो, अब नीचे यहाँ भी दबाव देना है ऐसे, 2, 3,
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ठीक है, ऐसे करने के बाद आप एक एक पैर से करेंगे। ऐसे ऐसे करो, एक पैर पीछे एक पैर आगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। बीस बार कर ली। ठीक है, और अब फिर अब ये जो मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचो, ये, हाँ, ऐसे ऐसे करो, हाँ, ये खड़े खड़े ऐसे खींचो, ये खींचो, ये जो मांसपेशी है अपने ऊपर की ओर खींचो, ये इससे घुटना बैठने, हाँ, इससे घुटना नीचे की ओर बैठेगा और घुटनों की मांसपेशियाँ भी ठीक होंगी। ये खींचो, टाइट करके रोक लो, ऐसे टाइट कर रोक लिया, फिर ढीला छोड़ दो, फिर खींचो, 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 ऐसे आप करते रहना, 20 से 30 बार करते रहना कंटिन्यू। ठीक है, अब थोड़ा रोल को आगे की ओर कर लो, हाँ बिल्कुल, अब दबाओ और दबाओ, हाँ दबाओ, फिर ऊपर करो, फिर दबाओ, फिर ऊपर करो, ये अलग से एक्सरसाइज आपको करनी है, फिर दबाओ, फिर ऊपर करो, हाँ इसी पे पैर रखे, ये रोल भी है ना, देखो आगे से रोल भी होता रहेगा, आगे भी जब पैर जाएंगे रोल अच्छा काम करेगा, दबाओ, फिर ऊपर, हाँ आप देख रहे हो रोल अच्छे से काम कर रही है, हाँ ऐसे आपके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, घुटनों को नीचे टिकाने के लिए ऊपर करो, अगर चुभने लगे तो प्लेन वाला, हाँ बिल्कुल, इनके चुभेगा नहीं, ये मजबूत आदमी है, ये तो घुटने पता नहीं कैसे ख़राब हो गए इनके, बड़े मजबूत हैं। ठीक है, हाँ ऐसे कितनी बार चाहो उतनी बार कर लेना, और फिर अपने फिर आगे पीछे कर लेना, ये तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, जितना करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और घर जाके अच्छे से मालिश करना, दिन में दो बार कर लो तो अच्छी बात है, आप भी दिन में दो बार मालिश कर सकते हैं। ठीक है, रोल को रख दीजिए, मालिश के बिना ऐसे समझ लो कि घुटने ठीक नहीं होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, बोले जी मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, तो मालिश भी करो, मालिश से एक तो दर्द ठीक होगा, क्योंकि दर्द निवारक तेल बनेगा, ये साफ कर लीजिए घुटनों को, क्योंकि ये दर्द निवारक तेल बनेगा, तो एक तो दर्द ख़त्म, ऊपर से आपके घुटने की जकड़न है वो ख़त्म, घुटने आपके नरम हो जाएंगे, एक्सरसाइज आपके से आराम से होगी, क्योंकि घुटने अगर जकड़े रहेंगे तो आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, मांसपेशियाँ नरम हो जाएंगी। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उनका भी पैकेज मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक मेरा वीडियो नहीं पूछा है, तो सबके पास ये वीडियो पहुँचाना है, चाहे एक्सरसाइज का हो या मसाज का हो, सभी के पास ये वीडियो पहुँचाना है, क्योंकि घुटनों का जो इलाज है यही है मसाज, यानी कि मालिश करो तेल से और अपनी एक्सरसाइज करो। ठीक है, आगे समझ में, तो रोज़ाना वीडियो बनाता रहूँगा, कोई ना कोई तो नया देखेगा, पुराने लोग भी देख लो, और जो नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सदस्य बन जाइए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी आपको ये कहे ना कि घुटने में दर्द है उसको ये वीडियो भेज दो, कहते ये कर ले, मालिश कर और एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज भी बड़ी ही सरल है, भाग वन करो पहले, जो बिल्कुल नए लोग हैं वो भाग वन करें, फिर भाग दो करें, फिर भाग तीन करें, फिर भाग चार करें, सीरियल वाइज करना है, पहले दिन ही भाग चार नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप करें, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ज़मीन पे टिकने लग जाएंगे आराम से। हाँ नहीं, जो नए सदस्य हैं वो सब्सक्राइब कर ले वीडियो, तो सारे वीडियो आप तक आ जाएंगे। अभी एक्सरसाइज कर लीजिए तेल पूछने के बाद ये, हाँ, एक, दो, तीन, मेरे साथ करो, पैर को अब मैं मोड़ तो हिलाना, चार, पाँच, छः, सात, ये मालिश के बाद का वीडियो है ये। ठीक है, मालिश के बाद का ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं,
ये मालिश के बाद की जाने वाली एक्सरसाइज है। अब दूसरे पैर से और जो एक्सरसाइज दर्द करे, मैंने पिछले वीडियो में साउथ आप करते रहिए, मैं इनको बताते रहूँगा, आप करते रहिए। जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको नहीं करना है, ये ध्यान देना है। जो एक्सरसाइज दर्द ना करे उसको चाहे धीरे धीरे बढ़ाते रहो, 20 बार करो, 30 बार करो, 40 बार करो, 50 बार करो, और आप लेटे लेटे ऐसे करते रहिए। ये एक्सरसाइज सामान्य है, सभी कर सकते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे सबके लिए। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज करते रहेंगे राम विलास जी। और जो बिहार से आए हैं सबको सिखाना, जो आपने सीखा है किस प्रकार थेरेपी करते हैं, किस प्रकार एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या सावधानी है, सबको बताना और सबको तेल मालिश करवाना। ठीक है, ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घुटने को ठीक करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और मालिश भी करते रहिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।